नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। चुनाव उत्तर भारत में है, पर राजनीति का केंद्र कर्नाटक यानी दक्षिण भारत बना हुआ है। मामला कर्नाटक के उडुपी का है। एक कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने से रोकने पर झगड़ा शुरू हुआ। पहले तो लगा ये विवाद सिर्फ कॉलेज तक सीमित रहेगा, पर मामला बढ़ा और पूरे कर्नाटक और अब फिर पूरे भारत में फैल चुका है। तो क्या है ये पूरा मामला, कोर्ट ने क्या कहा और इस मुद्दे पर राजनीति कितनी हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उडुपी में सरकारी महिला इंटर कॉलेज, जिसका नाम गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स उडुपी है, इस कॉलेज के 8 मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि 27 दिसंबर 2021 को कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने से रोक दिया। यानी कैंपस में हिजाब पहन सकती थी पर कक्षा में पाबंदी थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा छात्राओं का कहना है। फिर कुछ दिनों बाद 15 जनवरी को इन लड़कियों की तस्वीरें हिजाब पहने सीढ़ियों पर बैठे वायरल हुई। अब एक और प्रश्न उठता है कि दिसंबर 2021 से पहले हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करना अलाउड था या नहीं। मीडिया में छात्राओं का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा दिसंबर 2021 से ही उन्होंने क्लास में हिजाब पहनकर बैठना शुरू किया। छात्राओं ने यह भी बताया कि एडमिशन के वक्त एक फॉर्म साइन कराया गया था, जिसमें एक क्लॉज था कि क्लास में हिजाब पहनकर नहीं बैठ सकते। यानी वो कैंपस में तो हिजाब पहन सकती थी पर क्लासरूम में नहीं। वहीं कॉलेज प्रशासन ने मीडिया में बयान दिया। उन्होंने बताया कॉलेज में 150 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसी मांग नहीं उठाई। प्रशासन का दावा है कि ये लड़कियां कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं और इसलिए मामले को भड़का रही हैं। अब ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का नाम सुना होगा। 2006 में बना मुस्लिम संगठन दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका बेस है। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत सरकार इसको बैन करने की प्रक्रिया में है। इसे बैंड इस्लामिक संगठन सिमी के प्रॉक्सी फ्रंट के रूप में देखा जाता है। अब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को सिमी का स्टूडेंट विंग माना जाता है। तो कर्नाटक वाली लड़कियाँ इसी संगठन से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, पर इस मामले में PFI की भूमिका भी देखी जा रही है। 30 दिसंबर को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने उडुपी के डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की थी। मामला आगे बढ़ा तो सरकार ने 25 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी बनाई और कहा कमेटी जब तक कोई फैसला नहीं लेती तब तक सभी छात्राएँ यूनिफॉर्म पहनेंगी, यानी कक्षा में हिजाब नहीं पहनेंगी। इसके बाद छात्राओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। उडुपी में लगी आग धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में फैलने लगी। कुछ इंटर कॉलेजों में हिजाब के विरोध में छात्र भगवा गमछा पहनकर स्कूल कैंपस में आने लगे। कुछ हिंदूवादी संगठनों पर आरोप लगे कि उन्होंने मंगलुरु में पोस्टर छपवाए जिन पर लिखा था हिंदू इन इन दुकानों से सामान ना लें, और आरोप ये भी लगे कि जबरदस्ती छात्राओं को भगवा स्कार्फ पहनाया गया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने एक्शन लिया और प्रदेश के कई कॉलेजों में हिजाब पर एंट्री बंद कर दी। हवाला गवर्नमेंट ऑर्डर का दिया गया। इसके बाद एक वीडियो कर्नाटक के मांड्या जिले से आया, जो बहुत वायरल हुई। मांड्या के PSE कॉलेज में एक छात्रा स्कूटी से हिजाब पहने हुई आती है। हिजाब के अलावा छात्रा ने बुर्का भी पहन रखा था। जैसे ही छात्रा आगे बढ़ती है, सामने दर्जनों की संख्या में भगवा कपड़े पहने छात्र नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जवाब में हिजाब पहनी छात्रा ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। कॉलेज का स्टाफ बीच बचाव की कोशिश करता है। बाद में मीडिया से बातचीत में छात्रा ने कहा कि मैं कॉलेज अपना असाइनमेंट जमा कराने आई थी। कॉलेज स्टाफ ने मेरा सपोर्ट किया और जो विरोध कर रहे थे उनमें कई बाहरी थे। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो शिवमोगा के कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां एक छात्र पोल पर चढ़कर भगवा झंडा लहराता नजर आता है। इस वीडियो पर कांग्रेस के DK शिव कुमार ने आरोप लगाया कि तिरंगा झंडा उतार कर भगवा लहराया गया है। तनाव बढ़ने के बाद शिवमोगा में धारा 144 भी लगाई गई। बात हिंदू मुसलमान की हो और हमारे देश में राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 फरवरी को AIMIM ने हिजाबी में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। उसके बाद BJP नेताओं के भी बयान आए, वो भी जरा सुन लीजिए। कर्नाटक सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में ना आए।
ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं कर्नाटक सरकार को बधाई देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। और कर्नाटक ने जो कार्य किया है सरकार ने, ये हर राज्य की सरकारें काम करे, क्योंकि कर्नाटक सरकार का एक निर्णय के स्कूल हो या कॉलेज हो, पढ़ने के लिए आए, ना कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए। तो इससे आपको तकलीफ क्यों? अगर आपको तकलीफ है तो अपना स्कूल कॉलेज अलग से बनवा ले, आप लोगों के ऑलरेडी कई मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ा ले। स्कूल में आकर हिंदू और मुसलमान करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और जब सरकार फैसला लेती है, अगर सरकार से नाराज ये तो आप अपनी दुकान अलग से खोल ले, विरोध करते क्यों हो? आप मत भेजे स्कूल और कॉलेज को, विरोध क्यों करते हो? मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, साथ ही साथ हर राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो कर्नाटक सरकार ने जो इतना अच्छा जो निर्णय लिया है, हिजाब पर जो पाबंदी लगाई है, ये हर सरकार इस तरह का फैसला ले और हिंदू मुस्लिम स्कूल हो या कॉलेज हो, इससे खत्म करे। वहीं प्रियंका गांधी कह रही हैं, बिकनी हो या हिजाब, ये लड़की की मर्जी है और ये हक उसे कानून देता है। बहरहाल कानून क्या कहता है ये कोर्ट के फैसले के बाद मालूम चलेगा। अब इस पूरे मसले पर हमने लोगों का पक्ष समझने की कोशिश की। सबसे पहला पक्ष हिजाब के समर्थन में है। मुस्लिम पक्ष कहता है हिजाब पहनना उनका बुनियादी अधिकार है और इसे पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा पक्ष हिजाब के विरोध में हिंदू संगठनों का है, जो कह रहा है कि कक्षाओं में हिजाब पहनकर आएंगे तो हिंदू भी भगवा स्कार्फ के साथ आएंगे। तीसरा पक्ष उन लोगों का है जो मॉडरेट हैं, उनका मानना है कि लड़की अगर शिक्षा हिजाब या बगैर हिजाब के ग्रहण करना चाहती है तो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है। चौथा पक्ष उन लोगों का है जो कहते हैं शिक्षण संस्थानों में कम से कम धर्म के नाम पर बंटवारा या फिर भेदभाव ना किया जाए। स्कूलों कॉलेजों में यूनिफॉर्म इसलिए होते हैं ताकि अमीरी गरीबी ऊँच नीच का भेद मिटा रहे और बच्चे सिर्फ शिक्षा पर फोकस कर सकें। चलिए, इस विषय पर आपका क्या विचार है कमेंट करें। अगर आपको हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।